एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज बहुत दिन बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। एक्चुअली एग्जाम था तो एग्जाम खत्म हो गया और कल पूरे दिन मैंने प्रैक्टिकल लिखा और आज जा रही मैं प्रैक्टिकल सबमिट करने कॉलेज। तो हम चलते हैं और इधर दीपू बाबू आज लगे हैं लैपटॉप में, लैपटॉप चलाएंगे और मैं भी आकर फिर लैपटॉप आज चलाऊँगी, थोड़ी बहुत कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखूँगी। तो चलते हैं अभी फिलहाल हम कॉलेज। मैं पहुंच गई कॉलेज और यहाँ पे हो रहा है हल्ला क्लासरूम में। ये भी सारे लोग बैठ के खिचड़ी पका रहे हैं। हम कॉलेज से रिटर्न हो गए, मतलब कॉलेज गए, प्रैक्टिकल हुआ, लंच ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर से दो प्रैक्टिकल हुआ, बायवा हुआ, कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए सब ने, मतलब मज़े से दिए। फिर छापे भी कुछ फ़ोन से, कुछ प्रैक्टिकल से, सारा प्रैक्टिकल कम्प्लीट किया जल्दी जल्दी और सारा सबमिट करके लगभग अभी 3:30 बजने वाला आ चुके हैं रूम। और अब जा रही कुछ बनाऊँगी और फिर कुछ खाएंगे। तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है हम लोगों का। बीटेक क्या, हर डिप्लोमा जो डिप्लोमा करते हैं उन लोगों के लिए भी उनका प्रैक्टिकल हार्ड ही लगता है और हम लोगों के लिए भी उसमें लिखना बहुत पड़ता है। दिक्कत यही होता है, प्रैक्टिकल मतलब छापो और वो बेकार ही वो पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल बहुत चेक भी होता होगा, प्रैक्टिकल वेस्ट ही होता होगा, फिर भी टीचर्स लोग मांगते ही और प्रैक्टिकल देना ही पड़ता हमें। तो हमने भी बहुत सारे प्रैक्टिकल बनाए, सबमिट हो गया, तो चलो अब टेंशन फ्री, थोड़ा सा रिलैक्स। तो अब कुछ काम करना पड़ेगा हमें, ये सारा रूम वगैरह झाड़ना पड़ेगा। तो कल झाड़ेंगे रूम को, कपड़े वपड़े समेटेंगे घर जाने के लिए और फिर देखते हैं बुक कब एक्सचेंज होगा, मतलब तो बुक जमा करना है जो मैंने 3rd सेम में निकाला था उसको जमा करेंगे और 4th सेम की बुक लूँगी। और साथ ही साथ चलते हैं अब खाना बनाते हैं, थोड़ा सा जल्दी खाना बनाएंगे, मुझे भूख लग गया। अभी बाय बाय, एक फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया तो हम आ गए, तब चलते हैं कुछ बनाते हैं ना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल और लाइक कमेंट एंड शेयर बिल्कुल करना ना भूले। ओके, तो चलिए खाना बनाते हैं, उसमें कुछ करती हूँ। तो मैंने बना लिया खाना जल्दी जल्दी फटाफट, मैंने रोटी बनाया, चावल बनाया क्योंकि चावल थोड़े कम थे, चावल ख़त्म हो गया तो चावल थोड़ा कम था, तो रोटी भी बना लिया और चीनी भरा रोटी भी बनाई। और साथ में मैंने आलू चना टमाटर की सब्ज़ी बनाई। ये रहा मेरी चने की सब्जी, चावल रोटी और चीनी वाली रोटी। तो चलते हैं खाते हैं। अब जाड़ी में खाने, उसके बाद पेट भरेगा तो अच्छा लगेगा मुझे भी। सो गाइस, वेलकम बैक। खाना खाकर मैंने रेस्ट किया, खाना मतलब नॉर्मल ठीक ठाक ही था, जैसे रोजाना खाते वही सेम चीज़, तो चना की सब्ज़ी बट टेस्टी बना था तो हम लोगों ने अच्छे से खाया, रोटी भी खा लिया। उसके बाद सो गई थी, हम सो कर उठी तो थोड़ा मन कर रहा है, हलो छत गई तो वहाँ सब लोग खेल रहे थे बैडमिंटन, तो थोड़ी देर बैडमिंटन खेला। उसके बाद रूम आ गई, हाँ अभी से इतना गर्मी लगने लगा, अभी तो फरवरी ही है, पता नहीं आगे क्या होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है अभी भी। और अभी कुछ खाने को मन कर रहा है, कुछ चटपटा सा, तो लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, प्रैक्टिकल भी ख़त्म हो गए, तो थोड़ा टाइम है तो मुझे थोड़ा अजीब से लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज से थोड़ा लैपटॉप में कुछ सीखते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो मैं फ़िलहाल कहीं देखती हूँ कुछ खाने को मिले तो खाती हूँ। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, आप सब देखते रहो मेरे वीडियोज़ को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कीप वॉचिंग माय वीडियो, बी हेल्दी एंड बी वेल। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।